रहीम, नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमने बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में जो इसके पोस्टुलेट्स हैं, बेसिकली अगर आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को कम्प्लीटली अगर आप उसकी समझ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसके पोस्टुलेट्स लिख सकते हैं। जो इसके पॉस्टुलेट्स हैं, सबसे पहला क्या है, गैसेज आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। गैसेज जो हैं वो टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी, और इनकी मोशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, रैंडम, कांस्टेंट रैंडम मोशन होती है, ठीक है। दूसरा पॉस्टुलेट क्या है, साइज ऑफ गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंसेज बिटवीन देम। कि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप होता है वो उस पार्टिकल के मास से भी ज्यादा होता है, उसके साइज से भी ज्यादा होता है। गैस पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कंटेन्ड। जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और जिस कंटेनर के अंदर उस गैस को रखा गया होता है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। गैस पार्टिकल्स एक दूसरे को डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते। फिफ्थ है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस पार्टिकल्स की, वो प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के, ठीक है। कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है गैस का, अगर वो इंक्रीज होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। एंड इज द सेम फॉर ऑल गैसेज एट ए गिवन टेम्परेचर, और ये तमाम गैसेज के लिए गिवन टेम्परेचर पे यही होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द टर्म प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा को डिफाइन करना है। तो प्लाज्मा हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये आपको इसमें फर्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि यस देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा मैटर नोन एज प्लाज्मा, ये फर्स्ट लाइन आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है जो सिमिलर होती है गैस से, लेकिन ये आयंस की सूरत में होती है, ठीक है। इसमें तमाम एटम्स या कुछ या सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयनाइज होते हैं। आयनाइज से मुराद ये होता है कि या तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके नतीजे के तौर पर जो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्रीली टू मूव होते हैं। तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, यानी कि हीट या जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इनमें से पास हो सकती है। तो प्लाज्मा कैन बी फाउंड नेचरली इन, अगर अब प्लाज्मा की बात करें कि कहाँ पे पाया जाता है, तो प्लाज्मा नेचरली स्टार्स में मौजूद होता है, लाइटनिंग में, इसी तरह जो फ्लेम्स होते हैं, शोला होता है आग का, उसमें भी प्लाज्मा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, गिव इट्स एसआई यूनिट। डेंसिटी क्या है, उसका एसआई यूनिट बताना है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी का नाम दिया जाता है। इसका फार्मूला रो इक्वल टू एम ओवर वी है, डी इक्वल टू एम ओवर वी, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एसआई यूनिट जो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द टर्म प्रेशर, राइट इट्स एसआई यूनिट। प्रेशर क्या है और इसका एसआई यूनिट लिखना है। तो प्रेशर बेसिकली, प्रेशर की डेफिनेशन, किसी भी स्पेसिफिक यूनिट एरिया पे, हम एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको प्रेशर का नाम दिया जाता है, ठीक है। किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पे हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको प्रेशर का नाम दिया जाता है। प्रेशर का फार्मूला पी इक्वल टू एफ ओवर ए होता है, और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। तो पी इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर पर सेंटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, जो कि पास्कल के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेक्स अ सकर प्रेशर ऑन ए स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट। जो सकर प्रेशर होता है वो वॉल के साथ, स्मूथ वॉल के साथ स्टिक कैसे कर जाता है। तो जो सकर प्रेशर होता है बेसिकली उसमें इनसाइड और आउटसाइड पे एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है। जो सकर होता है उसको जब वॉल के साथ प्रेस किया जाता है तो उससे क्या होता है कि उससे ये काम होता है कि उसके
जो शक्कर के अंदर का एयर प्रेशर है वो कम होता है और उसके बाहर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर उस शक्कर को प्रेस करके रखता है उस स्मूथ सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट? हाइट हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी क्यों करता है, चेंज क्यों होता है? तो एयर बेसिकली गैसेस का मिक्सचर है, डेंसिटी जो है एयर की एटमॉस्फेयर के साथ वो यूनिफॉर्म नहीं होती। जो जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसकी एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है जो जो हम ऊपर जाएंगे एयर की थिकनेस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, एयर थिन होती जाएगी, ठीक है, इंक्रीज होती जाएगी, एयर की थिकनेस डिक्रीज होती जाएगी, एयर थिन होती जाएगी। जब एयर थिन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता जाता है जो जो हम ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज अ बैरोमीटर? बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर्स को मेट्रोलॉजी में यूज किया जाता है ताकि वो फॉरकास्ट देख सकें, वेदर में जो चेंजिंग्स आती हैं वो देख सकें। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं बैरोमीटर्स की, लेकिन जो कॉमन टाइप है उसको मर्क्यूरी बैरोमीटर कहा जाता है। माइक्रो बैरोमीटर इस वजह से कहते हैं कि इसकी जो ट्यूब होती है उसमें मर्क्यूरी फिल किया गया होता है और उसको इन्वर्ट कर देते हैं एक कंटेनर में, मर्क्यूरी के कंटेनर में, ठीक है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है ट्यूब में वो भी राइज या फॉल करती है उस एटमॉस्फेरिक चेंज के साथ साथ। तो इस तरीके से बैरोमीटर के जरिए से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई वाटर इज नॉट सूटेबल फॉर यूज इन बैरोमीटर? बैरोमीटर में मर्क्यूरी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वाटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? तो वाटर जो है वो 13.6 टाइम्स डेंसर है मर्क्यूरी की निस्बत, यानी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है मर्क्यूरी की निस्बत। और दूसरी बात यह है कि जो मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरी 13.6 टाइम डेंसर है वाटर की निस्बत, यानी कि मर्क्यूरी जो है वो उसकी डेंसिटी वाटर की निस्बत ज्यादा है। और दूसरा काम क्या है कि मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट भी नहीं होता, इस वजह से मर्क्यूरी को इस्तेमाल किया जाता है, वाटर इस्तेमाल नहीं करते। अब अगर वाटर इस्तेमाल करना हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्टिकल कॉलम का जो होता है वाटर के लिए वो 13.6 टाइम्स हाइट उसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी कॉलम। यानी कि जो मर्क्यूरी का बैरोमीटर बनाया गया था उसकी जो बैरोमीटर की मर्क्यूरी की जो हाइट जाती थी जिस पॉइंट पे वो 0.76 मीटर था, तो उससे 13.6 टाइम्स ज्यादा होगी वाटर की, क्योंकि वो 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसर था, मर्क्यूरी ज्यादा डेंसर था वाटर की निस्बत। तो 13.6 को जब हम 0.76 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10.34 मीटर आ जाता है। यानी कि अगर हमें वाटर बैरोमीटर बनाना है तो उसके लिए हमें जो ग्लास ट्यूब की लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो मोर देन 10 मीटर है, यानी कि ऑलमोस्ट 11 मीटर हमें लेंथ रिक्वायर्ड होगी। अब इतनी ज्यादा लेंथ जो ग्लास ट्यूब की होगी उसको इधर उधर कैरी करना और संभालना मुश्किल होता है, इस वजह से मर्करी यूज किया जाता है, वाटर बैरोमीटर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और वैसे भी वाटर जो है वो उसके अंदर वो थर्मोमेट्रिक मटीरियल वाली प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं होती। थर्मोमेट्रिक मटीरियल की प्रॉपर्टीज हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी, तो वो जो है वो फुलफिल होंगी तो तब वो लिक्विड यूज हो सकता है, अदरवाइज उसको हम बैरोमीटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मर्करी तमाम थर्मोमेट्रिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फुलफिल करता है, इस वजह से मर्करी को थर्मोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है जो बैरोमीटर में हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट पास्कल प्रिंसिपल गिव वन एप्लीकेशन। पास्कल प्रिंसिपल हमने बताना है कि क्या होता है। पास्कल प्रिंसिपल क्या है कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी पॉइंट पे लिक्विड पे जो कि एक कंटेनर के अंदर मौजूद था, तो वो प्रेशर उस कंटेनर के अंदर तमाम डायरेक्शंस में इक्वली एक्सर्ट होता है, ठीक है। उस लिक्विड पे की किसी एक पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई किया गया था वो उस लिक्विड पे तमाम डायरेक्शन में इक्वली वो प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब इसकी जो एग्जाम्पल है जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या काम करती हैं, पास्कल लॉ पे ही काम करती हैं, यानी कि इधर पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा होता है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स कार जो मॉडर्न कार्स और ट्रक्स हैं उनमें इस्तेमाल की जाती हैं। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है पैडल पे तो क्या होता है कि एक स्मॉल फोर्स वो अप्लाई करता है जो कि फ्लूइड पे अप्लाई होती है, ठीक है। उन ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है उस पर वो अप्लाई होती है। अब वो जो
उसने प्रेशर अप्लाई किया, वो प्रेशर स्मॉल फोर्स के साथ अप्लाई किया गया था, तो वो दिस क्रिएट्स अ मच ग्रेटर फोर्स ऑन द ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैड्स पे वो ज्यादा फोर्स वहां पे जनरेट करता है, क्योंकि प्रेशर इक्वली एग्जर्ट होगा हर डायरेक्शन में, तो ब्रेक पैड्स पे वो ग्रेटर फोर्स के साथ इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो रोटर्स होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं व्हील के उसके टायर के क्रॉस, तो इस वजह से ब्रेक लग जाती है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज की जाती हैं न्यू मॉडर्न कार्स एंड ट्रक्स में जिनमें पास्कल लॉ इंप्लीमेंट हो रहा होता है, या इसके अलावा जो हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसमें भी यही काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या पार्शली फिल कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं, डुबो देते हैं पानी के अंदर, तो जो अप थ्रस्ट है वो उसके ऊपर अप्लाई होती है। अप थ्रस्ट क्या है? अप थ्रस्ट एक फोर्स है जो किसी भी हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी जिस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी फ्लूइड में डुबोएंगे। तो अप थ्रस्ट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करती है वो एग्जर्ट होती है ऑब्जेक्ट पे सराउंडिंग फ्लूइड की मदद से, यानी कि जिस फ्लूइड में उस ऑब्जेक्ट को डुबोया जाता है उस फ्लूइड की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही होती है। दिस फोर्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ पार्टिकुलर फ्लूइड। ये फोर्स जो है ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी की सरफेस पे तैराने के लिए या उसको डुबोने के लिए, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी की सरफेस पे तैरता है या डूबता है तो उस पर वो अप थ्रस्ट फोर्स इंप्लीमेंट हो रही होती है। अगर अप थ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो और वेट कम हो तो ऑब्जेक्ट तैरता रहता है, और अगर वेट ज्यादा हो और अप थ्रस्ट फोर्स कम हो तो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन्ड बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि जब उसके ऊपर अप्लाई की गई फोर्स को हटाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट अपने वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। ठीक है, इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दैट डिस्क्राइब्स देयर एबिलिटी टू डिफॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की गई फोर्स जब हटाई जाए, उस फोर्स ने उसको डिफॉर्म किया गया, डिफॉर्म कर दिया था, मतलब उसकी लेंथ वॉल्यूम या शेप चेंज कर दी थी, और वो फोर्स जब हमने उससे हटाई तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, उसकी शेप ओरिजिनल हो जाए, उसका साइज ओरिजिनल हो जाए, तो उसको कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में इलास्टिसिटी मौजूद है। दिस मीन्स दैट एन इलास्टिक मटेरियल विल स्ट्रेच और कंप्रेस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो इलास्टिक मटेरियल होगा या तो वो स्ट्रेच कर जाएगा या फिर कंप्रेस कर जाएगा, लेकिन दोबारा वो पहले ही अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाएगा जब वो फोर्स उधर से रिलीज की जाएगी। तो इसको इलास्टिसिटी का नाम दिया जाता है। जैसे मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, उसको आप प्रेस करें, प्रेस करने के बाद जब उसने उस फोर्स जो आपने लगाई है प्रेस करने से उसने क्या किया, उसको डीफॉर्म कर दिया, जब आपने वो फोर्स हटाई तो वो वापस अपनी काली पोजिशन में आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो हम इनका डिफरेंस देखते हैं। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? रिस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या है? रिस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। और यूनिट क्या होगा इसका? फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम स्ट्रेस। कि स्ट्रेन क्या करता है? जो डिफॉर्मेशन हुई है स्ट्रेस की वजह से उसको स्ट्रेन का नाम दिया जाता है। और इसका यूनिट क्या है? स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। अब ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है, इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है? जो रेशो है स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, उसको यंग्स मॉडुलस का नाम दिया जाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इसका फार्मूला वाई इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, यानी कि एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। तो ऐसा यूनिट यंग्स मॉडुलस का हमारे पास न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है।
ये डेफिनेशन, ये फार्मूला और ये इसका एसआई यूनिट है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।